बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त विपक्षी ताकत को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नाम संदेश भी दिया। नीतीश ने कहा कि अगर कांग्रेस देरी ना करे तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। नीतीश ने सोनिया और राहुल गांधी को सीधे मैसेज दिया था। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया। साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी एकता के लिए नहीं थी। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसे आती हैं जो खड़गे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं है बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है, हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। नीतीश ने कहा है कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट हुआ तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए उन्हें पहले बिहार संभालने की नसीहत दे डाली है। नीतीश की हुंकार, 2024 के लिए तैयार। नीतीश कांग्रेस साथ, बीजेपी से करेंगे दो दो हाथ। हम आपका स्वागत करेंगे, चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएं। बीजेपी के खिलाफ चलेगा नए फ्रंट का दाव। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है, आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए। मोदी को 100 पर रोकने वाला नीतीश प्लान। 2024 के चुनावों के लिए धीरे धीरे ही सही, पर तैयारी जोरों पर है। बीजेपी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष अपनी कमर कस रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए वो विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश में लगे हैं। CPIM के 11वें अधिवेशन के मंच से विपक्षी दलों को बड़ा ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर साथ लड़ेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्ष साथ लड़ा तो बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। नीतीश के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने सहमति जताई। मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नीतीश कुमार की बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाने की बात कही। हम आपका स्वागत करेंगे, चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल, अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो 2024 हमारा होगा, देश की जनता का होगा, हम संविधान को और देश को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेस के साथ साथ बिहार में नीतीश की सहयोगी पार्टी ने भी नीतीश के समर्थन में कदम से कदम मिलाया। बिल्कुल संभव है, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2019 में जो उनको वोट आया था, वोट कितना था? 37-38% वोट था। तो वैसी हालत में तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर उनके खिलाफ जो है गुलबंदी हो जाए कायदे से, तो निश्चित रूप से 100 के नीचे मैंने उछले आएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 2024 के चुनावी रण के लिए नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया और पहले बिहार को संभालने की नसीहत दे डाली। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है, आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए। सपने के लिए विपक्षी एकता में
कांग्रेस कह रही है कि लव यू कौन कहेगा, अब ये लव यू इनको कौन कहेगा जो 17 साल में बिहार में नेता नहीं बन पाए, वो देश का नेता क्या बन पाए। 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम पद की रेस में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और खुद नीतीश कुमार जैसे उम्मीदवार हैं। मोदी को रोकने के लिए नीतीश ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी को रोकने के बाद क्या विपक्ष पीएम के लिए किसी एक नाम पर सहमत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।